शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अगर शोहर गैर इखलाकी हरकात पर माइल करे या इसका हुक्म दे तो ऐसे हालात में कुरान पाक बीवियों को क्या हुक्म देता है, ईमान अफरोज वाकया आपको आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे। सो जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, बास खवातीन की तरफ से ये सवाल आता है कि उनका शोहर उन्हें फहश वीडियोस देखने पर मजबूर करता है। बहुत कुरान आहदी सुना ली लेकिन असर नहीं होता और इसरार जारी है। अब बास सूरतों में शोहर ये धमकी देता है कि अगर औरत ने ऐसा ना किया तो वो बाहर जाकर मुंह मारे करेगा और बीवी गुनाहगार होगी, और बास सूरतों में तलाक की धमकी भी देता है। बास अहले इल्म से पूछा तो कहने लगे कि किसी सूरत देखना जायज नहीं और औरत गुनाहगार होगी, लेकिन तलाक की धमकी की सूरत में कोई काबिले अमल हल बतलाएं। एक बात तो जहन में रखें कि सेक्स मर्द के खून में है, इसलिए औरत को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मर्द सेक्स के मामले में कूल हो तो ये मुमकिन नहीं, तो मर्द अपनी जिंसी जबिल्लत के एतबार से वहशी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, अलबत्ता शरीयत ने उसे ये कहा है कि अपनी जिबली ख्वाहिशात की तहजियत करो और इसको तहजीब नफ्स या इस्लाह नफ्स कहते हैं। जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स की तहजीब और इस्लाह की। तो अल्लाह जवजल ने इंसान की शरसत में शरकारा मादा रखा है और फिर इस पर मुतालबा ये है कि अब इसकी तहजीब करके देखे। जिस तरह इंसान खाने को देख कर इस पर टूट नहीं पड़ता, झपटता नहीं, हैवान की तरह नहीं खाता, बल्कि पहले खाना अच्छे से लगाता है, फिर इत्मीनान से बैठता है और सुकून से खाता है, यही मामला सेक्स की जिबिल्लत के पूरा करने का भी है। जिस तरह इंसानों ने खाने की अशिया को पूरा करने में अपने नफ्स की तहजीब की, उसी तरह इन्हें चाहिए कि सेक्स की जिबिल्लत को पूरा करने में भी अपने नफ्स की तहजीब करें। अगर इन्हें करेंगे तो उनमें और हैवान में फर्क बाकी नहीं रहेगा। तो जिस तरह बाज मर्द हैवानों की तरह खाना खाते हैं तो उसी तरह बाज मर्द जानवरों की तरह सेक्स करना चाहते हैं, जो इंसानियत के रुतबे से गिरने वाली बात है। हमारे माहौल में खास तौर पर इंटरनेट पर मौजूद फहश मवाद ने मर्दों की सेक्स की जबिल्लत को उनकी बायोलॉजिकल जरूरियात से बढ़ाकर जहनी जरूरत बना दिया है, और सेक्स जब दिमाग पर चढ़ जाए तो फिर कोई चीज इंसान को मुतमईन नहीं कर सकती। जैसा कि भूख इंसान के दिमाग में हो तो फिर पेट कभी नहीं भरता, तो सेक्स एक बायोलॉजिकल जरूरत है और रही तो यही एतदाल है। जब दिमाग को चढ़ जाए तो ये फसाद है। और सवाल में पूछा गया कि सेक्स ऐसा ही है जिसमें सेक्स दिमाग को चढ़ जाए, तो ऐसे में अगर शोहर ये धमकी देता है कि वो बाहर मुंह मारेगा तो उसे देने दे, इसका बीवी को कुछ गुनाह ना होगा। लेकिन शोहर की बात ना मानने की सूरत में बीवी को अगर तलाक का खौफ और डर हो तो ऐसी सूरत में वो मजबूर होकर कराहत के साथ इसमें शामिल हो जाए तो गुनाह सिर्फ शोहर का होगा। बीवी के बारे उम्मीद है कि अल्लाह जवजल इसे माफ फरमाएंगे। जैसा कि सूरह नूर में है कि अपनी लौंडियों को बदकारी पर मजबूर मत करो जबकि पाक दामन रहना चाहती हैं, ताकि तुम दुनिया का कुछ थोड़ा बहुत फायदा हासिल कर लो, और जो उन्हें बदकारी पर मजबूर करे तो उनको मजबूर कर दिए जाने के बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला है। ये आयत मुबारका उन मुल्कों के बारे में है जो अपनी लौंडियों को बदकारी पर मजबूर करते हैं, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने लौंडियों से दरगुजर करने का इशारा दिया जबकि गुनाह का सहारा वबाल मालिक पर डाला। लेकिन करने का काम यही है कि मर्दों को सेक्स की जबिल्लत को पूरा करने में तहजीब नफ्स के तरीके सिखाए जाए। भाई, जब दुनिया का हर काम सलीके से करते हो तो ये क्यों नहीं करते? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, जाते जाते हमारे यूट्यूब चैनल औरत हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।